दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक में हमें सृष्टि और मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ने गुप्त रूप से सृष्टि के पहले के बारे में कई रहस्यों को बताया है और साथ ही अभी बताया कि वह पृथ्वी की रचना से पहले भी मौजूद था। इसलिए आइए आज की इस वीडियो में हम इन रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बाइबल के अंदर ऐसे कई रहस्य हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच खुलासा किया कि वह जगत की सृष्टि से पहले भी था। लेकिन आज मैं आपको यूहन्ना की किताब में बताई गई रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। यूहन्ना की किताब के अंदर यीशु मसीह के महायाजकीय प्रार्थना के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें यीशु मसीह ने खुद इस रहस्य का खुलासा किया कि वह जगत की सृष्टि से पहले भी थे। लिखा यूहन्ना अध्याय 17 उसका 4 और 5 में, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना में कहा कि हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। इस बात के माध्यम से यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते थे कि वह जगत की सृष्टि से पहले भी मौजूद थे, लेकिन वह उस महिमा में थे जो पिता की थी। उत्पत्ति किताब में कई चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मनुष्य और बाकी के प्राणियों की रचना भी शामिल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की उत्पत्ति इसमें नहीं हुई थी, बल्कि वह तब से ही मौजूद थे जब ब्रह्मांड का निर्माण हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले हुआ था। और बाइबल इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर ही पहला है और वही अंतिम है, उसके पहले न कुछ था और न उसके बाद कुछ होगा। इसका मतलब साफ है कि उसी ने सब कुछ रचना किया है। एक और खास बात यह है कि वह उत्पत्ति किताब में या जगत की सृष्टि से पहले या बाद में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ भी कोई मौजूद था। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, अक्सर हम अपने भाषा में एक वचन और बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं एक व्यक्ति और एक से ज़्यादा व्यक्ति में फर्क बताने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसका जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा। बाइबल में एक जगह परमेश्वर ने कहा, इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हम शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि बहुवचन शब्द है। इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ भी कोई था। और अगर बाइबल के पुराने नियम की किताबों के वचनों को नए नियम के यीशु मसीह के वचनों से तुलना किया जाए तो परमेश्वर और मनुष्य एक ही रूप में दिखते हैं, और यीशु मसीह ही वह है जो परमेश्वर के साथ मौजूद था और अनंत काल तक रहेगा। यूहन्ना 17 अध्याय में हमें एक बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि यीशु मसीह बार बार महिमा की बात करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि हे पिता वह घड़ी आ पहुंची अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यीशु मसीह ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि अभी तक उसके महिमा का समय नहीं आया था, इसीलिए अपने चेलों के लिए प्रार्थना करने से पहले उसने खुद के लिए प्रार्थना की। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान अपने विश्वास आज्ञाकारिता और कार्य के माध्यम से पिता की महिमा की थी। जगह जगह घूमकर उपदेश देना, बीमारों को चंगा करना, चेलों को सिखाना, इन सब बातों में यीशु मसीह ने पिता की महिमा की, और इन सब के बाद यीशु मसीह ने पिता से उसकी महिमा करने के लिए कहा, लेकिन उसी महिमा के साथ जो स्वयं पिता के पास है और जो जगत की सृष्टि से पहले यीशु मसीह के साथ भी थी। यीशु मसीह अपने पुराने अस्तित्व के और मनुष्य रूप में जन्म लेकर दुनिया में आने के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वह पहले से ही जानते थे कि अनंत काल में एक समय था जब परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र एक महिमा में ही थे। यदि यीशु खुद यहोवा या परमेश्वर के जैसे नहीं होते तो वह इतने ही समझदारी के साथ यह प्रार्थना नहीं कर सकते थे। बाइबल बताती है यशायाह अध्याय 42 उसका 8 में, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने खुद इस बात को बोला है कि अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा। लेकिन बाइबल के अनुसार और यीशु मसीह की प्रार्थना के अनुसार यह साफ पता चलता है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा पुत्र यीशु मसीह को दिया है।
जो यह साबित करता है कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक ही है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही मौजूद थे। यूहन्ना में आगे बताते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ अपने ही लिए प्रार्थना नहीं किया, बल्कि उसने हम विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना किया। लिखा है यूहन्ना अध्याय 17 उसका 24 में, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दिए, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। दोस्तों, हम विश्वासियों को यह बात पता होना चाहिए कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी है या बनना चाहते हैं, हम सब उस उद्धारकर्ता के कर्जदार हैं जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया है, जिसने हमारे लिए प्रार्थना की कि हम उसके साथ एक हो जाए। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में हम यीशु मसीह को एक बार फिर अपनी महिमा में देखते हैं। यूहन्ना ने जो अपने दर्शन में देखा उसने प्रकाशित वाक्य किताब में लिख डाली। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 12 और 13 में, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटे देखी, और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनाला पटुका बांधे हुए था। यही वो दृश्य था जो यूहन्ना ने मनुष्य के पुत्र समान यीशु मसीह को उसकी महिमा में देखा। उसने जो तेज आवाज सुनी उसका वर्णन तुरही की आवाज के समान विशिष्ट और प्रभावशाली बताया है। यीशु मसीह ने अपना पहचान इस प्रकार बताया कि मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। और हमें यह बात पता होना चाहिए कि प्रथम और अंतिम वह उपाधि है जो बाइबल में कई बार इसराइल के परमेश्वर यहोवा को दी गई है। यूहन्ना आगे बताते हैं कि उसने जो मनुष्य के पुत्र को देखा कि उसके सिर और बाल ऊन के समान सफेद थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। यहाँ पर जो हम आंखों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक इसी तरह से दानियल ने भी अपने दर्शन में देखा था, जो हम पढ़ सकते हैं दानियल अध्याय 10 उसका 6 में, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। यूहन्ना आगे उसके चेहरे का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उसका चेहरा सूर्य के ज्वाला के समान चमक रहा था, और उसकी मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। यूहन्ना ने जब यह सब देखा तो वह यीशु मसीह के पांव तले मुर्दा के जैसा गिर पड़ा। यूहन्ना भले ही यीशु मसीह के साथ कई सालों से सेवा में था और वह यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन यहाँ जो दर्शन उसने देखा वो बहुत ही अद्भुत था। यूहन्ना को इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने इस दिव्य शक्ति और महिमा को छोड़कर आए थे, लेकिन अब जब वो अपनी महिमा में है तो उसे देखना भी बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताया कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। यीशु मसीह बताना चाहते थे कि वह मर के भी जीवित हुआ और अब हमेशा के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजी उसी के पास है। वह संसार की उत्पत्ति से पहले भी था और अंत होने के बाद भी अनंत काल तक रहेगा। आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।